अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पॉइंट। हे इस्मानी, सो आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर 11 कॉमर्स का पार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 2x² y का होल स्क्वायर, सही है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। सो सवाल हम इसी तरह उतार लेंगे, 2x² y का होल ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर 2। सो अब देखें, ये जो पावर 2 है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी इनके यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, ये सब के ऊपर पावर्स हैं, सब के ऊपर ऐसा करके पावर्स जाएंगे सब के ऊपर। सो मैंने इसको नीचे, आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब 2 के ऊपर भी ये पावर है, होल इनके होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये सब के ऊपर पावर है। तो अब 2 के ऊपर भी आप पावर देंगे, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी आप पावर देंगे, वाई के ऊपर भी आप पावर 2 करेंगे। सो अब आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 हो जाएगा। अब देखें, बेस हमारी ये रहेगी, अब पावर हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, 2 जो है इससे बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सही। सो एक्स की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा, और यहाँ पर वाई का स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, -2x² y का होल क्यूब सॉल्यूशन। अब ये जो 3 है, ये सब पर पावर है। सो मैंने इनको हर एक वैल्यू को अलग अलग ब्रैकेट में ले लिया और उसकी पावर मैंने 3 कर दी, क्योंकि ये सब पर पावर है। सो -2 के 3 की पावर जब की तो -8 रहेगा। सो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर पावर ओड में है, जिस तरह अगर यहाँ पर 3 है या यहाँ पर अगर 5 आ गया है, तो अगर बीच में अगर माइनस हमें दिया हुआ है तो वो माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर होता ना, तो ये जो माइनस साइन है ये हमारा प्लस में हो जाता है। ये भी एक बेसिक मैथमेटिक रूल है कि अगर पावर आपकी इवन में होगी ना, यानी कि अगर पावर यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगी। अगर बीच में साइन माइनस का भी होगा, लेकिन वो आपका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और लेकिन अगर यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पे ओल्ड पावर दी हुई है 3 है, सो हमारा माइनस ही साइन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। सो यहाँ पर -2 ही रहेगा, जब 2 की पावर 3 किया तो हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसकी पावर क्या है, 3। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सही है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की पावर 6, 2 3 6। सो अब यहाँ पर वाई की पावर 3 है, तो ये एज इट इज़ उतर आएगा। सो हमारा ये आ जाएगा आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रैकेट में 3x³ y² को मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये हमें मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, ब्रैकेट में ब्रैकेट ब्रैकेट दी हुई ना, तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको y x 4xy से। सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, सेम इसी तरह उतार लेंगे। तो अब हम इस पूरे को, ये जो 3x³ y² है, ये मल्टीप्लाई होगा 4xy से। जैसा कि हमें पता है 3 4 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, x की पावर क्या है, 3 है, और यहाँ पर x के साथ क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 1 है। सो अब देखें, बेसिस क्या है, सेम है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 1। सो अब हम बेस सेम है, बेस सेम रखेंगे, x ही लिखेंगे, लेकिन पावर क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। सो हमारा हो जाएगा 12x की पावर 4। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, y की पावर 1 है। सो बेस सेम ही रहेगी, y ही हम लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर एडअप हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y का क्यूब। सो हमारा आंसर होगा 12x की पावर 4, y की पावर 3, इनकी क्यूब के आंसर। सो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, x - 2y ब्रैकेट क्लोज 3x + y। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सॉल्यूशन की हेडिंग दे दी। सो अब देखें, अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो भले x को ले लें, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर -2y को मल्टीप्लाई करें, या फिर 3x को पहले ले लें और फिर प्लस 3x लेकर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें x - 2y से, फिर प्लस y डालकर फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। मैंने ली है ये, मैंने पहले x को 3x + y से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने -2y को 3x + y से मल्टीप्लाई किया।
सो अब देखें, मैंने जब पहले मैंने इसका लिख लिया, फिर मैंने जब x की यहाँ पर क्या है पावर वन है, यहाँ पर भी क्या है पावर वन है, सो वी नो डैट कि जब बेसिस सेम हो पावर विल बी एडिड। तो देखें 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वन था यहाँ पे भी वन था, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। सो अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो प्लस 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 ही रहेगा, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, सो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है प्लस है, लेकिन वी नो डैट के माइनस प्लस माइनस होगा, सो टू टू वाई मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स, सो हमारे पास आ जाएगा सिक्स एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, सो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे देखें यहाँ पर भी वन है यहाँ पर भी वन है, बेसिस हमारी सेम है, यहाँ पर भी वाई है यहाँ पर भी वाई, सो पावर हमारी क्या हो जाएगी एडअप हो जाएगी, सो साइन हमारा माइनस रहेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, सो टू वाई मल्टीप्लाई बाय हो रहा है वाई से, तो हमारे पास आ जाएगा टू वाई स्क्वेयर। सो हमारा आंसर होगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस, अब देखें यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स वाई है, यहाँ पर सिक्स माइनस सिक्स एक्स वाई है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है माइनस का साइन है। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन भी बड़ी वैल्यू का ही आएगा, और यहाँ पर प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। सो अब इसमें से हम प्लस एक्स वाई माइनस करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा फाइव एक्स वाई माइनस का, अब यहाँ पे माइनस टू वाई हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सो ये हमारे पास हो गया आंसर। सो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, टू एक्स प्लस थ्री वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस टू वाई ब्रैकेट क्लोज, सो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट दी हुई है, तो अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये इस तरह ईजी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, अगर हम जैसा मैंने देखे यहाँ पे 2x को पहले मैंने x प्लस टू वाई से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3 प्लस 3y को x प्लस टू वाई से किया। अगर हम डायरेक्टली करें तो मोस्टली बच्चे इस तरह करते हुए मिस्टेक कर जाते हैं, अगर आप इस तरह करके करेंगे तो आपका एक तो मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा, ऊपर से आप साइन की भी आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। सो मैंने देखे यहाँ पर 2x लिया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से, फिर मैंने प्लस 3y लिया है, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से, सो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसके साथ पावर हमें पता है, यहाँ पर भी वन है यहाँ पर भी वन है, सो यहाँ और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वन दिया हुआ है, लेकिन ये शो नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर वन है, सो टू एक्स जब मल्टीप्लाई किया हमने एक्स से, तो हमारा क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर पावर विल बी एडेड। अब प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, प्लस का साइन आ जाएगा, तो टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू वाई, सो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स वाई, क्योंकि ना यहाँ पर कोई x है ना इसके पास y है कि हम पावर को ऐड करें, सो यहाँ पर सिंगल सिंगल वैल्यू से दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, सो हम सेपरेटली लिख लेंगे फोर एक्स वाई। अब यहाँ पर प्लस का साइन दिया, जैसा कि मैंने देखा है मैंने पहले 2x को मल्टीप्लाई किया था, अब मैं 3y को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस टर्म से, सो 3y जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास आ जाएगा 3xy। सो अब देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, सो 3y मल्टीप्लाई बाय 2y, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी पावर क्या है 1 है, हम पावर को एड अप कर लेंगे, सो 3y मल्टीप्लाई बाय 2y, सो हमारे पास आ जाएगा प्लस 6y स्क्वायर। सो अब हमारा, अब देखें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर 4xy है, यहाँ पर 3xy है, अब यहाँ पर हम सिंपल एडिशन करेंगे, यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो हम पावर फिर एडअप करते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सिर्फ एडिशन हो रहा है, सो हम नंबर की एडिशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 3, तो अब हमारे पास आ जाएगा 7xy प्लस, अब यहाँ पर क्या है 6y स्क्वायर, सो प्लस 6y स्क्वायर आंसर। सो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, x प्लस वाई माइनस टू ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई, सो अब देखें मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, सो सवाल को एज इट इज़ उतार लेंगे। अच्छा, अब जिस तरह मैंने पहले भी बता रही थी कि कुछ बच्चे जिस तरह डायरेक्ट करते हैं, अब मैंने यहाँ पर भी डायरेक्ट सवाल किया, मैंने इसको मेथड वन का नाम दे दिया, सो अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, आप उस तरह करेंगे तो फिर उस तरह भी मल्टीप्लिकेशन सही रहती है। सही, सो अब देखें मैं डायरेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है वन है, यहाँ पर भी क्या है वन है, सो एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, बेसिस सेम है, पावर क्या आ जाएंगी एडअप हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर
एक्स है ये पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स को। तो जब मैंने एक्स को प्लस वाई से किया तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई आ जाएगा। अच्छा अब मैं वाई को करूँगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर प्लस का वाई है, यहाँ पर भी प्लस का वाई है, पावर वन वन है, तो पावर एडअप हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। सो अब यहाँ पर मेरे पास माइनस टू है और यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक्स है, तो अब देखें माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का टू है, यहाँ पर प्लस का वाई है, साइन यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है, सो हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा टू वाई। सो अब एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जब हम एडिशन कर रहे हैं तो नंबर एडअप होंगे, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स वाई आ जाएगा। सो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस टू एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस टू वाई आएगा। ये मैंने आपके यानी कि इजीनेस के लिए यहाँ पर चेंज पेन से लिखा है, ये आप वैसे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये शो नहीं होते, लेकिन हमें पता होता है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। सो 37 का ये मेरा सोल्यूशन का मेथड टू है। आप मेथड वन के ज़रिए भी कर सकते हो, मेथड टू से भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड टू यू कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है। सो हमारा सोल्यूशन है x प्लस वाई माइनस टू एक्स प्लस वाई। सो अब मैं पहले x को मल्टीप्लाई कर, पहले इस वाले x मैंने इसको लिया है, पहले मैं x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं प्लस y को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर मेरा सेम ही आएगा, मेथड वन से करूँ या मेथड टू से आंसर सेम आएगा। सो अब मैंने, अब देखें यहाँ पे भी वन है, यहाँ पर भी वन है, पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, वन वन से मल्टीप्लाई हो तो वन ही रहेगा, तो वो हम नहीं लिखते। सो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, पावर है हमारी एडअप हो गई, प्लस अब जब हमारा एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर माइनस का टू है, तो माइनस का टू जब एक्स से हुआ तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स। सो प्लस का साइन आएगा बीच में, यहाँ पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, प्लस 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 ही रहेगा। सो यहाँ पर यहाँ पर देखें हमारे पास पावर वन है, यहाँ पर भी हमारे पास पावर क्या है, वन। सो पावर हमारी ऐड हो जाएगी क्योंकि हमारी बेस सेम है। सो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ पर टू वाई आ जाएगा क्योंकि देखो वाई टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू वाई। अब हम आंसर करेंगे, एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई एक्स स्क्वायर नहीं जो हम ऐड करें। सो यहाँ पर प्लस का एक्स वाई है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स वाई है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स वाई। अब यहाँ पर माइनस टू एक्स है तो हमने माइनस टू एक्स लिख दिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर हमने प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास माइनस टू वाई था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस टू वाई लिख दिया, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। So dear student, thanks for watching my video. So kindly subscribe and like my channel to get latest update about my videos. So next video tak ke liye, Allah Hafiz.